स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है, मोशन इन ए प्लेन एग्जाम्पलर को सॉल्व कर रहे हैं फिंगर टिप्स के, जिसमें आपसे कह रखा है कि एक वेक्टर है आर वेक्टर, इस आर वेक्टर का कंपोनेंट देखना आपको अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसकी वैल्यू कब मैक्सिमम होगी। तो आप देख लेते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास ये वाई एक्सिस है दैट इज एक्स एक्सिस, और आर वेक्टर कुछ ये है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब मैं x एक्सिस के डायरेक्शन में इसका अगर कंपोनेंट देखना चाहूंगा तो ये हो जाएगा r cos थीटा, जबकि y डायरेक्शन में हो जाएगा r sin थीटा। ये कंपोनेंट की वैल्यूज होती है। अब वो कह रहा r cos थीटा जो x एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू कब होगी। अब देखिए r cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, और 1 कब होगी, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब ये है कि ये वेक्टर जो थीटा बना रहा है ये 0 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए ये 0 डिग्री तभी हो सकता है जब आर वेक्टर इस तरफ हो, ठीक है, एक्स एक्सिस पर ही आर वेक्टर हो, तब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है कि देख लेते हैं, आर इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, आर जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आर इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यस, आर जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तब इसका कंपोनेंट, इट मींस आर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। अल्टीमेटली आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं मैक्सिमम का मतलब ये है, मैक्सिमम कब होने वाला एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो भाई जब वो खुद एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा वेक्टर, तभी वो मैक्सिमम हो सकता है ना। दिमाग लगाइएगा, अगर वो वेक्टर आर वेक्टर एक्स एक्सिस की ही डायरेक्शन में है तो तभी मैक्सिमम हो सकती है उसकी वैल्यू। अगर वाई एक्सिस में हुआ कुछ इस तरह से, एक्स भी है वाई भी है, तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा तो एक कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। जवाब यहाँ ये है क्वेश्चन का कि आपसे पूछा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू एक्स एक्सिस की तरफ कब होगा, जब ये पूरा वेक्टर एक्स एक्सिस पर रखा हुआ होगा तभी मैक्सिमम हो सकता है माई डियर। तो इसलिए आपका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आना तय था, लेकिन अगर हम कंपोनेंट तोड़कर करेंगे तो आप कंपोनेंट से ही पता लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर थीटा 0 होना चाहिए, कभी cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो मैक्सिमम आपको मिल जाएगा कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें कुछ इतना सही था, आपने समझ लिया क्या क्या इसके अंदर दे रखा था। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।